अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो रेसिपी देने जा रही हूँ वो बड़े डिफरेंट स्टाइल का और ईस्टर्न कोरमा है, और इसे बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी आज मैं आपको बताती हूँ। रहमान रहीम, ये चिकन है 1.5 kg, 2 tbsp ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 onion ले लिए थे मैंने जिसे मैंने ब्राउन कर लिए हैं, और इसे मैंने योगर्ट के साथ ग्राइंड कर लेना है। 7 green कार्डिमम साबुत, और साबुत ही ये मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं 7 to 8। 6 मैंने क्लोव लिए हैं। 1 teaspoon चिकन पाउडर, 1 tbsp भर के मैंने ये रेड चिली पाउडर का लिया है, और 1 tbsp ही मैंने कोरिएंडर पाउडर का लिया है। 1/2 tbsp टर्मरिक का लिया है, और 1/2 tbsp ही मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 teaspoon ये जायफल जावित्री ली है मैंने जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये 250 ग्राम मैंने जो है ये योगर्ट का ले लिया है। इसे मैं बीट कर लूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये प्याज के साथ मैं अभी इसे ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके बनाना शुरू करते हैं। ये ऑयल ले लिया है, आप घी या जो भी यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी ऑयल में जो है मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और ये चिकन डाल देंगे, और इसी के साथ हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसके साथ मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। इसमें मैंने मिक्स कर लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसका कलर चेंज होने तक ज़रा मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, फिर इसमें मसाले डालेंगे। जब तक हमारा चिकन जो है अपना कलर चेंज करता है, हम जो है योगर्ट और अनियन को ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारे चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है, और ये देखें हमारा जो है प्याज और ये योगर्ट भी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया। इसे हम साइड पर रख देते हैं, और इसी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने तमाम मसाले ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपको मैंने मसाले बताए हैं आप अपनी मर्ज़ी से, अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तमाम चीज़ें। अब इसी के साथ जो है मैं इसमें जो योगर्ट और अनियन का पेस्ट रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें जो है 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। ये मैंने प्याज और योगर्ट ग्राइंड किए थे ग्राइंडर में, तो उसी में मैंने जो है 1 गिलास पानी डाला और इसमें डाल दिया ताकि इसमें सारा मसाला जो है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसे कवर करती हूँ और चिकन गल जाने तक पकाती हूँ। माशाल्लाह, तो जी व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है इंस्टेंट चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ, और इसका देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, और इसमें कोई हरा धनिया गरम मसाला नहीं जाएगा। गरम मसाला अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन इसमें साबुत गरम मसाला जो कोरमे में ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रा जाता है, तो इस वजह से पाउडर गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हरा धनिया भी कोरमे में बिल्कुल नहीं जाता। हर चीज़ में हरा धनिया ना डाला करें, पहले भी आपको बता चुकी हूँ हर चीज़ में हरा धनिया नहीं जाता, शोरबा हो या कोई इस तरह की भुनी हुई चीज़ हो, सालन हो, उसमें चला जाता है, और चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई में भी हरा धनिया नहीं जाता। तो जी ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये देखें हमारे इंस्टेंट चिकन कोरमे की फ़ाइनल लुक। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें,
और आप और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी दूंगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।